Nugget. आज तो गजब हो गया। अगर माँ की कही बात सच निकली तो समझो तुम तो फंस गई आज। मतलब कौन सी बात? राज की बात, जो तुम्हारे दिल में है और तुम बताना नहीं चाहती। जब किसी का सर किसी के सर से टकराता है तो समझो उसे प्यार हो गया। सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? मैं भी ऐसे ही चौंका था और हंसा था जब माँ ने मुझे ये बात बताई। ऐसे कभी होता है क्या? होता है क्या? सॉरी, वो गलती से मेरा पैर तुम्हारे पैर पे जोर से लगी क्या? नहीं नहीं, मुझे पहले से ही लगी हुई थी। पहले से लगी हुई? शिवन्या तुम भी ना, कभी हाथ में चोट लगती है कभी पैर में चोट लगती है। कहाँ लगी ये चोट? वो जंगल में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था, शायद अब तक नहीं निकला। अब तक नहीं निकला? तुमने कांटा अंदर ही छोड़ दिया। कुछ हो गया तो ला इधर बैठो, ला दिखाओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मेरे पांव मत छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। मैं ये कांटा निकाल के रहूंगा। रहने दीजिए, छोड़ो। दुखा? नहीं। तो फिर चिल्लाई क्यों? कोई भी मेरे पांव छूता है तो मुझे गुदगुदी होती है। नहीं भाभी, नहीं, हम नहीं आएंगे। थैंक यू। अच्छा किया जो आपने ना कह दिया। और अगर सूरी को मिलना है ना तो खुद यहाँ आए वो। हाँ नहीं तो। शैलेश मेरे भाई। सूरी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। इतने सालों के बाद। इतने सालों बाद यार। हाय भैया, हाउ डू यू डू? ऑल फाइन। तूने दोबारा शादी कर ली? ये दूसरी है, तीसरी? अबे ओ रम्या है। क्या भैया, आप ना बड़े जोक की हो। अच्छा यार, तू भी अपना कुछ ख्याल रखा कर यार, मतलब फिट हो जाए यार। अरे एंकी को देखो कितना फिट है। एक मिनट, अगर तू एंकी की बात करके मुझे उसके घर पे डिनर पे बुलाने आया है तो भूल जा सूरी, मैं नहीं जाने वाला। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है तू नहीं जानता। ये तो मेरी दोस्ती बीच में आ गई, वरना मैं उसको बताता। मेरी दोस्ती के लायक नहीं है वो। खैर कुछ भी हो, मैं उसके घर पे नहीं आने वाला। और अगर तू इनवाइट करने आया तो भूल जा। अरे मत जाना यार, मत जा। मैं तुझे थोड़ी ना इनवाइट करने आया। और वैसे भी जो कुछ भी तन्वी के साथ हुआ है ना, इट्स नॉट दैट, आई एम वेरी बैड, आई एम नॉट विद हिम, बिल्कुल भी नहीं। और यार ये तू एंकी शंकी की बातें छोड़ यार, कम ऑन, मतलब सूरी इज हियर। जहां सूरी, डोंट वरी। चल बैठ बैठ बैठ, मैं तुझसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बैठ बैठ। अरे भाभी, भाभी हॉट एंड कूल भाभी, कम ऑन, मतलब इतने सालों के बाद आया हूँ मैं यार, एक स्पेशल चाय तो बनती है, वन कप टी। अरे हाँ भैया, अभी लाती हूँ टी। यस यस, जस्ट लाइक यू। अच्छा सुन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो डिसीजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, नाग मनी के बारे में। पेरिस की एक पार्टी है, वो नाग मनी खरीदना चाहती, समझ बिक गई, बिक गई। अब बंटवारा जो है हम पांचों के बीच में हो सकता है। अब देख, तू 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 बंटवारे में शामिल नहीं होना चाहता।
That's your decision. Completely your decision. हम चारों के बीच में बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि 20 साल पहले हम लोगों ने एक वादा किया था, साथ साथ, याद है ना? जब तक ये मणि हमारे पास है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मणि की वजह से हम देखना कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हमारी गिनती होगी। ये बड़े बड़े बिजनेस होंगे, बड़े बड़े बिजनेस होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब इसे खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देंगे, मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं। जब तक कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल जाता ना, तब तक बेचेंगे नहीं। जिस दिन खरीदार मिल गया, तब हम पांचों इन पैसों का बंटवारा करेंगे। ये वादा रहा, ओके? हाँ, लेकिन लेकिन इस बीच में अगर कोई साथ छोड़कर जाता है, सुन रहे ना, साथ छोड़ के जाता है तो ये वादा टूट जाएगा। हाँ, उस इंसान को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब डिनर पे तू आना चाहता है या नहीं आना चाहता, ये तेरा डिसीजन। और बंटवारे में तुझे शामिल करना या नहीं करना मेरा डिसीजन होगा, और क्या? ओके, सुन, बैठ यार। क्या बात है, आज सब किचन में क्यों? दिव्या, आज ये डिनर पार्टी तुम्हारे चाचा के दोस्तों के लिए है। ओ रियली? एक और डिनर पार्टी? वहाँ कितनी डिनर पार्टीज होती है इस घर में? पीटर, तुम्हारे पापा के दोस्त बरसों बाद यहाँ आए, इसलिए। याद है ना, शाम को तैयार हो जाना, डिनर तक वापस आ जाएंगे। शिवानी, याद है ना, 5 तरह की पूरियां तलनी है। तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। अरे यार, बोल देती, माँ मेरे साथ जाने के लिए मना थोड़ी ना करती। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं कहा? कमाल कर रही हो, मैं माँ को कैसे बोलता? और मैं बोल देती। ओके ओके, इंतजार करूंगा। फ्री हो जाओगी तब तो चलोगी ना? फ्री होंगी तब ना। शिवन्या, ये मैंने सब्जियां काट दी हैं, राइस लगा दो। ये घर में कभी एक दिन ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये कभी वो, अगर हमें साथ में जिंदगी बितानी तो एक दूसरे से बात तो करेंगे ना, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। पर ये घर वाले, ओह नो, पार्टी के कपड़े तो निकाले नहीं, लेट हो जाऊंगा। फ्रेश हो जाता हूं। लगता है ऋतिक कहीं बाहर गए, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वाले, तुम। अरे कौन गिरा?
सॉरी। हे शिव जी, देख लिया उन्होंने। उन्होंने देख लिया, मुझे देखना चाहिए था ना। अब मैं आपकी तुम्हारी हाँ हाँ भाई तुम्हारी माँ के सामने कैसे जाऊंगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? चीखी तुम थी इसलिए तो वो आई है। मैं नहीं, तुम चीखे थे। तुम पहले तुम चीखी थी, उसके बाद मैं चीखा था। पता नहीं अब वो क्या सोच रही होंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम तो शादीशुदा हैं। हाँ है, पर तुम बताओ कि पहले तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? जल्दी जल्दी मैं भूल गई, और मुझे लगा आप यहाँ नहीं है। भूल गई माँ की शर्म तो छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे की शर्म भी भूल गए। अब मैं कपड़े लेके जाऊं अंदर। माँ मैं नहीं आ सकती, वो पार्टी में जाना है ना, मैं बिंदी लगाना भूल गई, अभी आई। मेरी आंखों में देखो। हाँ? आईना दिखा रहा हूं, बिंदी तो लगी हुई है, कोई और बहाना? चलो। एक्चुअली कुछ और भूल गई हूँ मैं अभी आई तुम्हारे कमरे से, हमारे कमरे से। टॉप टू बॉटम तो रेडी हो, क्या हो गया है तुम्हें? कोई बहाना नहीं चलेगा, और माँ के सामने अकेला जाऊंगा नहीं मैं। चलो देखो मैं कैसे जा सकती हूँ उनके सामने। मैं कैसे? चेंज करते वक्त दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? देखो अंदर तुम आए थे, अभी माँ के पास तुम जाओ। एक काम करना, उनसे कुछ कह देना कि हम दोनों माफी जैसा कुछ कह देना। ओके पहले तुम जाओ बात करो, एक बार बात हो जाए ना फिर मैं आती हूँ। ओके बाय। मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों। क्या हुआ, तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात करनी है? माँ वो हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कमरे में हम बस बात ही कर रहे थे। बस मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी हो, कमरे में बात करो, कुछ और करो। अब सॉरी अब तो मैं नौकर के आऊंगी। वो क्या है ना, इतने सालों से ना आदत पड़ गई है, जब चाहती थी उसके कमरे में घुस जाती थी, अकेला रहता था ना। पर अब मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि अब मेरे बेटे के साथ उसकी पत्नी भी है। सॉरी अगली बार मैं नॉक करके आऊंगी। I'm really sorry. नहीं माँ नहीं, आप प्लीज नॉक करके मत आइए। माँ मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आया। कहाँ जा रही हो? बेटा आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों दिल से मिल गए। जानती हो शादी में सबसे अहम बात क्या होती है? तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताओ। शादी में दो लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों कह रही हूँ, ऐसे तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें समझाया होगा। एक माँ ही बता सकती है जिंदगी के ये खूबसूरत मोड़ तौर तरीके, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब वैसे शिवन्या तुमने कभी नहीं बताया अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बताओ ना। माँ अब आपको क्या बताऊं, मेरी माँ मेरी पूरी जिंदगी है। वो अक्सर कहते कि शादी को पूरा करता है प्यार, और प्यार के बिना हर रूप अधूरा होता है। वाह कितनी अच्छी बात कही है तुम्हारी माँ ने, लगता है शिद्दत से प्यार किया है, प्यार जिया है। वैसे क्या उन दोनों की लव मैरिज हुई है? हाँ देखा, हड़बड़ी में ये शादी हुई, उन दोनों को इनवाइट करना ही मैं भूल गई। अब तुम यहां अकेली हो, वो दोनों कहां है? उनकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? तो उन हत्यारों को जेल तो जरूर हुई होगी है ना? नहीं नहीं पूरे पड़े उन लोगों को जरूर पड़ेंगे। माँ मैं भी हर वक्त
हर घड़ी यही चाहती हूँ। मेरे माँ बाबा के हथियारों से इंतकाम मैं जरूर लूंगी। ये एक बेटी का वादा है अपनी माँ से। काका, इस पिलर पे लाइट्स क्यों नहीं है? सब पिलर पे लाइट्स हैं। रोशनी हो तो चारों तरफ हो। मालिक लगाता हूँ। रामो, एक काम करो, तुम मेरे साथ ना स्टोर रूम चलो, कुछ डाइनिंग सेट्स निकलवाने हैं, पार्टी में कम पड़ रहे हैं। मालिक आगे लगाता हूँ। अरे लाइए, इधर लाइए, मैं लगाता हूँ, आप मॉम की हेल्प करो। माँ, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, एक काम करो, तुम ऋतिक की मदद करो, रामू मेरे साथ आ रहा है, चलो बहुत सारा काम पड़ा है, चलो। मेरी फेवरेट मिर्ची लाइट्स लगाओ, मैं वहां पिलर पे लगाता हूं। यहां सबसे ज्यादा चमक होनी चाहिए, देख के लगे जैसे कोई नागमणि चमक रहा है। नागमणि? हाँ नागमणि, सबसे ज्यादा चमक तो नागमणि में ही होती है ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने नागमणि देखी है। एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है। कहाँ? फिल्मों में। दिव्या, पिक्चर तो अब शुरू होगी, देखना। जैसे तुम दोनों की दोस्ती टूट गई ना। दोस्ती ऐसी थोड़ी ना टूट जाती है, वो बस नाराज है मुझसे। मनाना आता है मुझे, मना लूंगा। पहले अपना नया रिश्ता तो संभाल लो। नया रिश्ता? तुम्हारे साथ। ओके ओके, मैं जाके अपने फ्रेंड को मनाता हूँ, तुम ये तब तक लाइटिंग कर लो। तुम्हारे पति का हुक्म है। बार बार मुझे हो क्या जाता है? मैं अचानक अपना मकसद क्यों भूल जाती हूँ?
नहीं, मेरी मकसद ही मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाबा की ली हुई जिंदगी। अबे तू इतना जोर क्यों लगा रहा है? आज तक तू जीता नहीं है इस गेम में मुझसे। एंकी जी आप ही ना, सूर्य भाई साहब आए नहीं कि आप शुरू हो जाते। कम ऑन पापा, हारिएगा मत। अरे एक मिनट, क्या हुआ क्या हुआ? हारने लगा तो चीटिंग। मैं ग्लव्स निकालता हूँ, उसके बाद करते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। नो चीटिंग। ओके 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 हियर वी गो। एक सेकंड, एक सेकंड। आइए भाई साहब बैठिए ना। अब तो बहुत खुशी हुई कि तुम। अरे मेरी वजह से आए। मैंने कहा था ना, जहाँ सूरी डोंट वरी। मैंने कहा था शैलेश आ जाएगा। चल चल अब आप देखिए, वन यहीं से, यहीं से। चल वन टू थ्री। ये क्या तन्वी क्या कर रही हो? बिना मुझसे बात किए तुम? देखो रितिक, मैं अपने मॉम डैड के लिए आई हूँ, वरना आती भी नहीं। बस हो गया ना तन्वी, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? बचपन की दोस्ती, तुम ऐसे करोगी मेरे साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ रितिक? तन्वी तुम भूल सकते हो रितिक, पर मैं नहीं। तन्वी मेरी बात तो, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, प्लीज जाओ। तुम ना होती तो फिर मेरा क्या होता? दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? नीचे क्या सुपरमार्केट क्राउड है, इसलिए मैं छुप छुपा के ना यहाँ पर आ गई। दीदी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप चलिए यहाँ से अभी के अभी। कोई मिल गया तो चलिए। मिल गया, सिक्स फिंगर्स वाला मिल गया। आपको याद है आपने मुझसे पूछा था कि कोई छह उंगली वाला होगा तो मुझे बताना, कोई दोस्त यार रिश्तेदार। मिल गया, कोई मिल गया। कौन कौन है वो? अंकल सूरी की छह उंगलियां मैंने देखी। अच्छा लगा तू आया, ये ले ड्रिंक ले। नहीं चाहिए, और एक बात समझ ले, मैं यहाँ पर तेरे लिए नहीं आया हूँ, सूरी ने बुलाया इसके लिए आया हूँ। तूने जो मेरी तन्वी के साथ किया उसके बाद तो। अरे ये इडियट है क्या रे? इडियट है क्या? अभी भी तुझे रिश्तेदारी की सूझ रही है, दोस्ती की सूझ रही है? हा? ये रुक जा। अरे ये देख, ये पकड़। पहन, ये रक्षा कवच है, गुरु माने दिया है, इसे अगर पहने रहेंगे ना हम लोग तो वो नागिन हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। ये देख मैंने पहनी हुई है। मुझे नहीं पहनना। अरे संभाल 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 यार, रक्षा कवच है। तुम लोग को जान प्यारी नहीं क्या अपनी यार? तू क्या कह रखे? ये अंगूठी हमारी जान बचाएगी? क्या बकवास कर रहा है यार तू? और ये मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकता। आई एम सॉरी, इट विल हर्ट मी यार, मेरी छह उंगलियां हैं, आई कांट अफोर्ड टू, आई एम सॉरी। एक काम कर, वो तेरी छठी उंगली है ना उसमें मत पहन, दूसरी उंगली में पहन। नहीं यार बात को समझ, सूरी तेरी जान खतरे में है। सूरी की जान खतरे में? यार तू क्या बोल रहा है यार, मेरी जान खतरे में? अरे जहां सूरी, डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी। यार दो चार दिन के लिए आए हो? दो चार दिन के लिए आया हूँ, ठीक है, मौज मस्ती करूंगा, चला जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन 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 सुन, एक आइडिया है मेरे पास, एक आइडिया। तू ये जो है ना अंगूठी, मेरी अंगूठी तू पहन ले, ये ले, ये देख, डबल प्रोटेक्शन। ताकि जब नागिन तुझे दसेगी भी ना, तू मरेगा नहीं, यू नो मेरी उम्र लग जाएगी तुझको। नो बैड आइडिया ना यार। एंकी चलिए लीजिए ना, प्लीज रुक जाइए। वो मंदिर से चरणामृत लाई थी, सोचा सबको साथ ही दे दूं। खाने से पहले चरणामृत ग्रहण करना बहुत शुभ होता है। देखिए कितनी संस्कारी है हमारी बहू, दे दो बेटा।
लीजिए। हाँ लाइए दीजिए। प्रसाद कभी बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ से ही लेते हैं। दीजिए। पहले ये तो निकालिए चरणामृत ऐसे। अब रहने दीजिए ना, अब ये सब चीजों में मैं मानता नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है, दे दीजिए ना। हम सब तो मानते हैं, निकाल दीजिए ना प्लीज। निकाल देना यार, कम ऑन यार एंकी, तू भी ना, कम ऑन। अच्छा लग लाइए दीजिए अब। ये क्या, इसकी तो सिर्फ पांच ही उंगलियां हैं, जख्म जैसा तो लग रहा है पर छह उंगलियां तो नहीं है। कहाँ खो गए आप, दीजिए ना। हाँ भाई, होश में तो रहती नहीं अमृता जी, नशे में ही बोल दिया होगा, ये सूरी वो कातिल नहीं है। अरे पहले खाना खा लेना, बाद में पहन लेना। ठीक है, चल चल। अच्छा एक बात बता, वो तेरी छठी उंगली कहाँ गई? बेटा धोखा खा गया ना तू भी। तेरी बेटी ने कहा था ना कि जिसके पास भी छह उंगलियां होती है बड़ा किस्मत वाला होता है। तो किस्मत वाला हूँ, किस्मत शेयर नहीं करूंगा, समझो सुपरस्टार एक ही होता है, सूरी द ग्रेटेस्ट। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? शिवानिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? शेषा तुम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। पर तुमने इस तरह अचानक फोन किया? शिवानिया, तुम मुझे गुरु माँ के बारे में बताने वाली थी, पता लगाने वाली थी, पूरे दिन तुमसे बात नहीं हुई तो हमें लगा कि कहीं तुम पर कोई मुसीबत ना आ गई हो। नहीं नहीं, संजोग से ऋतिक की माँ मुझे वहाँ ले गई, वहाँ जाकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं अंदर भी नहीं जा पाई, शायद उनकी कोई मायावी ताकत थी जो मुझे अंदर जाने से रोक रही थी। अंदर क्या हुआ, उन लोगों में क्या क्या बातें हुई, गुरुमा ने क्या कहा, उन्हें क्या दिया बचने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता। पर जानती हो उसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात हुई, एक भयानक सा बात, न जाने कहाँ से आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। शिवानिया, अब तो तुम्हें और सतर्क रहना होगा, गुरुमा जानती थी कि नागिन से बचने का उपाय देना है उन लोगों को, वो ये भी जानती थी कि अगर नागिन है तो वो आज जरूर आएगी और उसी ने उस पास को छोड़ा होगा बार करने के लिए। मुझे लगता है कि उन घर वालों का शक अब यकीन में बदल गया है, इसलिए वो लोग पंडितों बाबाओं और गुरुमाओं के पास भाग रहे हैं। नागिन उनके आस पास नहीं, उनके नस नस में जहर घोल देगी अपने इंतकाम का। मेरे बदले की रफ्तार मौत की रफ्तार से भी ज्यादा है, तो मेरी चिंता मत करो, मैं जिस मकसद से यहाँ आई उसे पूरा किए बिना जाऊंगी। जिस शिवनिया में शिवजी है उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता, फिर भी सतर्क रहना, वो गुरुमा बहुत ही मायावी शातिर लगती है, कहीं तुम्हें अपनी जाल में ना फंसा ले। मैंने कहा ना चिंता मत करो, वो लोग चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाए मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी, हर हद पार करूंगी, अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी, पूरा करूंगी। अच्छा तो ये शिवन्या इस घर में किसी मकसद से आई है? किसी मकसद से शादी की? मुझे तो ये लड़की शुरू से ही कुछ अजीब लग रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये बात पता करके ही रहूंगी, आखिर इसका मकसद क्या है? मेरा नशा तो वहां है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार, एक मिनट, सॉरी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? बताओ ना, इतनी खूबसूरत क्यों हो? मैं उनको बाय बाय बोल के आता, फॉर्मेलिटी वगैरह करके आता हूँ, अभी आता हूँ। वो क्या है कि मैं अभी निकलूंगा थोड़ी देर के अंदर।
मेरी ब्रांड न्यू मेरी मेरी ब्रांड न्यू वाइफ चली अरे मेरी ब्रांड न्यू वाइफ चली तुरंत इसमें हाथ डालिए चल गई चल गई उंगली चल गई उंगली चल गई मैंने उस इंसान का चेहरा देख लिया जिसकी 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब जो 2 कातिल तुमने नहीं देखे थे उनमें से 1 गुनेगार तुम्हें मिल गया है। पर वो मेरा गुनेगार है या नहीं ये मैं नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं। तुमने देखी ना उसकी 6 उंगलियां? हाँ देखी। कौन है वो? कहाँ मिला? वो मुझे यही मिला, अंकुश रहे जाके घर पे। वो उसका और शैलेश माथुर का कोई बहुत पुराना दोस्त है। कोई सूरी अभी अभी कनाडा से अपनी पत्नी के साथ आया है। डिनर पे उसकी पत्नी की साड़ी में आग लग गई, वो उसे बचाने लगा और उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने है शिवन्या। उसे परदेश जाने से रोक दो, जान ले लो उसकी, वार कर दो उस पर। नहीं, ऐसे कैसे वार कर दो? कैसे मतलब? शिवन्या तुम अपना मकसद भूल गई या फिर इरादा बदल दिया तुमने? वो तुम्हारे माँ बाबा का वो मेरे माँ बाबा का कातिल है या नहीं यही तो मैं नहीं जानती। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं। दुनिया में बहुत लोगों की 6 उंगलियां होती। अगर हमने किसी गलत इंसान को कातिल समझ के मार दिया तो हम भी कातिल हो जाते। मुझे अपना बदला चाहिए, किसी निर्दोष की जान नहीं। उसे मारने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने मेरे माँ बाबा की हत्या की भी है या नहीं। और क्या पता लगाना है तुम्हें शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं और सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो उन कातिलों का पुराना दोस्त है, अतीत का साथी है, पुराना रास्ता है। वो कत्ल के लिए उकसाने वाला भी कातिल होता है शिवन्या, और सूरी भी कातिल है। वो भी उन 5 में से 1 है शिवन्या। मुझे तो इस पूरे परिवार का हर इंसान गुनहगार लगता है, फिर चाहे वो तुम्हारा नकली पति ऋतिक क्यों ना या फिर उसके भाई बहन। सबको मार दो शिवन्या, इस पूरे परिवार का वंश ही मिटा दो। लेकिन उससे पहले उस सूरी का खेल खत्म करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं जाती हूं। जानती हो माँ क्या कहती थी? मेरे माँ और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, प्यार से भी ज्यादा प्यार। वो दिन रात हमारे इष्ट देव की नागमणि की रक्षा करती, दिन रात हर घड़ी हर पल शिवलिंग के सामने एक दूसरे के साथ रहते। इस हवेली के लोगों ने हमारे इष्ट के मंदिर में हमारे इष्ट देव के सामने मेरे माँ बाबा की हत्या कर दी। जब वो शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे तब उन लोगों ने ये महापाप किया। उन लोगों से इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी, और ऐसा इंतकाम कि पूरी दुनिया देखेगी। मैं अपने इंतकाम के लिए किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ा सकती। हम में से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ 6 उंगलियां देखी, ना मैंने ना गुरुदेव ने। इसीलिए उसकी जान लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कातिल है भी या नहीं। पर मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शिवन्या। अगर मैं चाहती तो अभी इसी वक्त सूरी का खेल खत्म करती थी, लेकिन अगर यही तुम्हारी जिद है तो यही सही। तुम्हें सबूत चाहिए ना? मैं लाऊंगी सबूत। एक रास्ता है उसकी सच्चाई सामने लाने का। अरे
सुन, वो नागमनी खरीदने वाले पार्टी जो है आज ही मिलना चाहती है, वो मेरे घर पे आने वाले हैं अभी, समझा? चैलेंज को मैंने फोन कर दिया, तू भी जल्दी आ जा। यार मुंबई में हर काम जो है इतनी लेट नाइट क्यों होता है? वो पार्टी पहुंचने वाली है, तुझे अभी ही आना होगा क्योंकि उनकी सवेरे की फ्लाइट है यूएस की। तू भी ना, ठीक है अभी आता हूँ। वक्त आ गया सूरी, अब तू भी जल्दी से आ जा। एंकी जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। चलो सब ठीक ठाक तो हो गया, कोई अड़चन नहीं आई गुरु माँ की कृपा से। सही वक्त है, सही मौका गुरु माँ का उपाय पता लगाने का। बहुत सही उपाय दिए गुरु माँ ने, वरना यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यामिनी जी, आपको आपको लगता है कि गुरु माँ का उपाय काम करेगा? आप बोल रहे हैं कि आप ही है ना? हाँ। आप गए थे ना मेरे साथ गुरु माँ से मिलने, आपने खुद देख लिया ना कितनी बड़ी अंतर्यामी है वो, बहुत शक्ति है उनके उपाय में। क्या उपाय दिया उन्होंने? उपाय दिया ही क्या है, आपको लगता है कि उनके दिए हुए उपाय में दम होगा? एंकी जी, अब आप शक करने लगे हैं। मैं तो बस उपाय जी, बस भी करो, बार बार उपाय का जिक्र मत किया करो। हाँ। याद है ना गुरु मैंने क्या कहा था? क्या? कि हम इस उपाय के बारे में ना ही एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही इसके बारे में किसी को बताएंगे, वरना इसका असर कम हो जाएगा। और तो और पंडित जी ने ये भी कहा था, अब वो नागिन इस घर में प्रवेश कर चुकी है। करेक्ट। अगर इस उपाय के बारे में उसे पता चल गया तो हमारी जान को खतरा है। करेक्ट। इसलिए अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। ओके। आराम करेंगे। ओके। ठीक है। हाँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ। ऐसा क्या है इनके पास जो इनकी जान बचा रहा है, इससे पहले कि हमारी जान खतरे में आए? पता लगाना होगा कि आखिर इनके पास उपाय क्या है। हेलो जी। प्रॉब्लम कमाल है, मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की फंसी भी तो कहां के फंसी। इस सुनसान सड़क पे अकेली तुम, अकेला मैं, मतलब मैं खूबसूरत लड़कियों को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैंने गाड़ी वहां पार्क की और मैं तुरंत यहाँ आ गया। आपकी हेल्प करने के लिए। मैं हेल्प यू। हाँ प्लीज, थैंक यू। आप ही का इंतजार कर रही थी। सीरियसली? कोई आए और हेल्प मिल जाए। फरिश्ता बन के आए हैं आप। वो क्या कहते हैं, जब जो चाहो वो मिल जाए तो चमत्कार। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी दुनिया में मेरे जैसे लाखों में एक ही मिलेगा आपको। और जहाँ सूरी वहाँ डोंट वरी। अंधेरी रात है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मतलब मैं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। आई एम टोटली सेफ, आई एम कम्प्लीटली सेफ। मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको आपको घर तक छोड़ देता हूँ मेरी गाड़ी में। आप चलिए मेरे साथ। मैं हाँ हाँ, गाड़ी 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 की फिक्र मत कीजिए आप। मैं फोन करके ना टोइंग वैन बुलवा दूंगा, वो आ जाएगी।
आप चलिए चलिए आइए आइए आइए। काला रंग नजर उतारता भी है और नजर लगाता भी है। नजर लग गई नाकिन की। अरे आप वहीं रुकिए, आइए आइए जल्दी चलिए चलिए। कल मैंने जिन 5 लोगों के लिए रक्षा कवच बनाया था उनमें से एक की जान खतरे में है। नागिन की नजर में है वो मरने वाला है। जय जय महाकाली। जासूरी डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। ये आई कैन अभी मारूंगा। जैसी शक्तिशाली ताकत की सामना किसने किया? तो चले, आज की दुनिया में मेरे जैसी लाखों में नहीं करोड़ों में मिलेगी। रात का अंधेरा है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं नाग नाग For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.